प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा दौरे पर रहेंगे, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें, पीएम मोदी मीराबाई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, साथ ही सांसद हेमा मालिनी द्वारा मीराबाई के जन्मोत्सव पर दी जाने वाली प्रस्तुति भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर नया बस स्टैंड का संचालन 2 दिन के लिए बंद रहेगा। वहीं नए बस अड्डे का संचालन 22 और 23 नवम्बर को माल गोदाम से किया जाएगा। और देखिए, कल के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम को पुष्टि करते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वो सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन और रूट व्यवस्था, इसमें हमारी सिविल पुलिस, पीएसी, हमारी सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट, उसके अलावा हमारी एटीएस की टीमें, ये तमाम हमारी डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा अभी सूचना की हमारी टीमें जो हैं वो सादे वस्त्रों में जगह जगह पे लग के अभी सूचना संकलन तथा जो अपेक्षित उनसे कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। देखिए, अभी तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संभावित दौरा है कि आदमी हेलीपैड से आने के बाद कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे और वहाँ से यहाँ जो रेलवे ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल यहाँ पर आएंगे। लगभग यहाँ पर टोटल 3 घंटे का माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संभावित कार्यक्रम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हेलीपैड से लेकर के रूट तक और ये जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ तक हम लोग हर व्यवस्था का प्रापल्ली निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ योगी जी होंगे, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और आनंदी बहन यहाँ के जो गवर्नर जी हैं, और मीनाक्षी लेखी जो कल्चरल मिनिस्ट्री का हैं वो भी आ रहे हैं, प्लस और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री से काफ़ी लोग आएंगे। वो और कौन कौन आ रहे हैं मुझे वो मालूम नहीं डिटेल, लेकिन काफ़ी लोग आने वाले हैं।